आज हम बात करेंगे सिरिंजेस के बारे में। सिरिंजेस क्या होती हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिरिंजेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिरिंजेस हम ज़्यादातर यूज कहाँ करते हैं। जो हम पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे उसमें हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि हम लोग इंजेक्शन का यूज करते हैं ना, यानी कि बॉडी टिश्यू में जब कोई हमें ड्रग इंजेक्ट करके एडमिनिस्टर करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिरिंजेस का यूज करते हैं। तो हम उसी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उसी से रिलेटेड उनके क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सिरिंजेस हैव थ्री पार्ट्स, ठीक है। सिरिंज के पास मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, वन इज टिप, सेकेंड वन इज बैरल एंड थर्ड वन इज प्लंजर, ठीक है। तो हम लोग टिप किसको बोलेंगे, बैरल किसको बोलेंगे एंड प्लंजर किसको बोलेंगे उसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग ये डायग्राम देख रहे होंगे, आप लोगों को यहाँ ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आप लोग ये जो जहाँ पे निडिल आकर के अटैच होता है, जो मतलब निडिल का जो हब होता है वहाँ पे जो आकर के अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरिंज का टिप बोलते हैं, ठीक है। और जो एक बीच में एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है ना, हॉलो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, ड्रग्स को लोड करते हैं, ठीक है। जो भी एम्प्यूल से या वायल से हमें ड्रग लोड करना होता है वो बैरल में हमारा लोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लंजर के बारे में। तो प्लंजर जो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करता है और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको पुल करके ड्रग्स लोड कर पाते हैं बैरल में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि टिप्स, द टिप विच कनेक्ट विद द नीडल, टिप जो नीडल से कनेक्ट होता है उसको हम टिप बोलते हैं। नेक्स्ट बैरल ऑन और आउटसाइड पार्ट ऑन विच द स्केल्स आर पेंटेड, सॉरी प्रिंटेड, ठीक है। बैरल के ऊपर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सिरिंजेस के ऊपर वहाँ पे नंबर्स प्रिंटेड होते हैं जो डिसाइड करती हैं कि कितने ml ऑफ ड्रग्स उसमें लोड हुए हैं एंड कितने ml ऑफ ड्रग्स का वो एक मार्किंग होता है, उतने लेवल पे वो उतने अमाउंट ऑफ ड्रग्स को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द प्लंजर के बारे में, विच फिट्स इन साइड द बैरल, जो कि बैरल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम पुल एंड पुश करते हैं पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेवरल काइंड्स ऑफ सिरिंजेज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज शेप एंड मटेरियल्स। जैसे मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम पे पहले ज़्यादातर देखा जाता था कि ग्लास की सिरिंजेज ज़्यादा यूज की जाती थी, है ना, वो रीयूजेबल होता था, उसको बार बार स्टरलाइज करके एंड मतलब उसको माइक्रोबियल फ्री करके हम लोग उसको यूज कर लेते थे, बार बार उसको रिपीटली यूज कर सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो प्लास्टिक की जो सिरिंजेज आने लगी, जो कि डिस्पोजेबल सिरिंज थी, एक बार आप यूज करके उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते थे, वैसे सिरिंज भी आने लगी। तो ये मटेरियल के ऊपर उनके डिफरेंसेस हो गए, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज के बारे में। तो जैसे हम लोग साइज के बारे में बात करें तो बहुत सारे साइजेज आते हैं, जैसे 1 ml टू 20 ml तक वेरी करते हैं, और भी लार्जर साइज के सिरिंजेज आती हैं, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली जो देखते हैं एक वार्ड में नर्सेज जो सिरिंजेज यूज करती हैं, 1 to 10 ml के आसपास ही ज़्यादातर सिरिंजेज यूज होती हैं। बाकी अगर हमें 10 ml से ऊपर 20 ml का सिरिंज यूज करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो इन्फ्यूजन पंप वगैरह का हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, तो वो अलग की बात है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1 to 10 ml तक की, क्या कर सकते हैं, ये साइज वेरी कर सकते हैं 20 ml तक, ठीक है। नेक्स्ट इसकी शेप के बारे में बात करें तो अलग अलग शेप की आते हैं, जैसे इंसुलिन के लिए अलग शेप की सिरिंज आती है, मतलब शेप लगभग सेम होता है, बस उसकी डायमीटर में कमी आ जाती है, उसकी निडल साइज छोटी हो जाती है ना, ये सभी चीज़ें साइज को। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, साइजेस के बारे में बात कर ली और शेप के बारे में। आप लोग ट्यूबरक्लिन जो सिरिंजेज आती हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जो मेडिसिन एंटी ट्यूबरक्लिन जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर में, उसको हम ट्यूबरक्लिन सिरिंज बोलते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ml तक ही क्या करता है, ड्रग्स को कैरी करता है, ठीक है। तो ये हो गई सेज साइप एंड मटेरियल्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं सिरिंजेज रेंजेज इन साइज फ्रॉम 1 to 60 ml तक, ये साइज क्या करती हैं, वेरी करती हैं। जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि ज़्यादातर हम लोग 1 to 20 ml तक ही वार्ड में यूज करते हैं, लेकिन ये 60 ml तक ये वेरी कर सकती हैं, ठीक है। एंड नर्सेज टिपिकली यूज अ सिरिंजेज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 ml इन साइज फॉर इंजेक्शन। एग्जाम्पल जैसे सबक्यूट इंजेक्शन हमें देना है ना, सबक्यूटेनियस रूट में देना है, तो उसके लिए हमें छोटे साइजेस की सिरिंजेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें मान लेते हैं इंट्रामस्कुलर ही देना हो, कोई भी मतलब इंजेक्शन देना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले लें टेटनस टॉक्सॉइड देना है, ठीक है, उसको इंट्रामस्कुलरी जब हम देते हैं तो उसके लिए हमें अलग साइज की सिरिंज चाहिए, जो कि वो जितने अमाउंट ऑफ वैक्सीन को कैरी करना है उतना उसमें वो आ सके, ठीक है।
तो ये हो गए 1 to 3 ml तक के साइज वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग सिरिंजेस की टाइप्स के बारे में बात करें तो जैसे इंसुलिन सिरिंजेस होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है 0.3 to 1 ml तक वो कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिन सिरिंजेस जो कि 1 ml तक कैरी करती हैं। 5 ml सिरिंजेस भी आते हैं एंड 3 ml सिरिंजेस एंड 10 ml सिरिंजेस ऐसे वेरी करके आते हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लिया, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, टिप किसको बोलते हैं, बैरल किसको बोलते हैं एंड प्लंजर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात किया सिरिंजेस के बारे में, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।